हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट राजा रवि वर्मा। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है? तो आप उसको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उनके आगे इंपॉर्टेंट, या आपको जैसे समझ में, जैसे आपकी सुविधा हो वैसे उसको नोट डाउन करिए। बट इनके चित्रों पे, मतलब कहते हैं ना, फोकस रखिएगा, क्योंकि इनके चित्रों से एक ना एक चित्र से क्वेश्चन जरूर जरूर बनेगा। तो राजा रवि वर्मा, लेट्स स्टार्ट नाउ। जन्म 1848, किली मन्नोर, अब ये प्रेजेंट टाइम में आपका केरला है। मृत्यु 2 अक्टूबर 1906, आपका आरटी ट्रायंगल, आरटी ट्रायंगल आपका त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम, ओके। अब हम आते हैं इनके गुरु में। आलमगीर नायडू, थियो डोर जेंसन, ठीक है? इनसे इन्होंने ऑयल पेंटिंग के लिए, आप कहते हैं कि जैसे वहां पे त्रावणकोर के राजा वगैरह थे, तो वो अपने राजघराने के चित्रों को बनाने के लिए बाहर से, यानी ब्रिटिशियंस चित्रकार को आमंत्रित करते थे। और राजा रवि वर्मा ने भी उनसे, जो वहां के राजा थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सिर्फ मुझे उनकी टेक्निक को देखने दें, ठीक है? तो इस तरीके से इनके गुरु हुए आलमगीर नायडू और थियोडोर जेंसन। अब हम आएंगे, देखिए यहाँ पे आप सिर्फ इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं ना, महत्वपूर्ण जो तथ्य है वैसे करके लिखिए, महत्वपूर्ण जो हम पॉइंट्स में लिखाते चलेंगे, उसके बाद हम चित्रों में आएंगे। और ये आपको पता है कि ये भारतीय चित्रकला के पितामह कहे जाते हैं, और इन्होंने जितने भी मैक्सिमम चित्र बनाए हैं आपके धार्मिक और पौराणिक चीजों को लेकर बनाए। तो जैसे आप इनके चित्रों को देखेंगे तो उनके नाम से ही आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये धार्मिक है या इस तरीके का चित्र राजा रवि वर्मा जी का हो सकता है। और आप लोगों को मैं हर बार ये कहती हूँ कि किसी का भी चित्र हो, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, प्लीज़ आप उसको नेट में सर्च करिए, उसको देखिए और एक फोल्डर मेक करके रखिए, क्योंकि फोल्डर से भी बहुत, कहते हैं, आप एक हेल्पिंग सपोर्ट मिलता है कि आपने जो भी चित्र देखे हैं और उसको, तो वो माइंड में एक मेमोरेबल हो जाता है। तो हम यहाँ पर इनके महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले लिखेंगे, इन्होंने सर माधव राय, ईयर डालते हैं पहले, ...1894 में मुंबई के ये भी क्वेश्चन बन चुका है और आ चुका है 1894 में मुंबई के घाटकोपर पे सर माधव राय व जर्मन टेक्नीशियंस ठीक है जर्मन टेक्नीशियंस और सर माधव राय के साथ मिलकर इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस लगवाई, जिसके कारण ये भारत के पहले लिथोग्राफर कहलाए।
या भारत के पहले लिथोग्राफर कौन है? राजा रवि वर्मा। भारत के प्रथम लिथोग्राफर कहलाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने इन्होंने इन द सेंस राजा रवि वर्मा ड्यूक ऑफ बकिंघम लॉर्ड एक्टहल व उदयपुर के महाराणा के चित्र बनाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें से ये जो पॉइंट है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका ईयर घाटकोपर मुंबई, ठीक है, किसके साथ मिलकर सर माधव राय और जर्मन टेक्नीशियन, कभी कभी ये आ सकता है कि सर माधव राय और किसके साथ मिलकर इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई। ओके, क्योंकि इनके जो चित्रों की थी वो डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि उसकी पूर्ति ना होने के कारण इन्होंने ये प्रेस लगाई, और इसके कारण घर घर में, कहते हैं कि आज के टाइम पे जो कैलेंडर है वो उसी टाइम राजा रवि वर्मा के थ्रू डेवलप हुआ था। तो आप हमारे घर में जो भी चित्र हैं भगवान की, छोटी छोटी सी फोटोग्राफ्स हैं, कैलेंडर हैं, तो ये पहले के टाइम पे आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो ये चेहरे हैं, इन चेहरे को देने का श्रेय राजा रवि वर्मा जी को ही जाता है। ठीक है, तो इन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाए, ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड एक्टहल और उदयपुर के महाराणा के चित्र बनाए। ठीक है, अब हम आते हैं ठीक है, 1880 में पुणे की प्रदर्शनी में इन्हें गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मैं सिर अप कर रही हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इसी के आगे पॉइंट मेक करेंगे। ठीक है, 1880 में पुणे की प्रदर्शनी में इन्हें गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। फिर 1904 में इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद सम्मान प्राप्त हुआ। और इसी के बाद, इस सम्मान के बाद ये रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए। इस सम्मान के बाद यह
राजा रवि वर्मा कहलाए। वियना की एक प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। देखिए इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट सन है जो मैं राइट डाउन करवा रही हूं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। इनका एक बहुत ही फेमस चित्र है नायर महिला। नायर महिला बालों में चमेली का हार गुथते हुए। ठीक है, ये जो चित्र था ये मात्र इन्होंने 25 ईयर्स ओल्ड में बनाया था, यानी 25 वर्ष की आयु में बनाया। वह जो उस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर थे उस एरिया के, तो वहां पे तत्कालीन गवर्नर ने द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, इनकी एक मूवी भी है रंग रसिया, तो आप उसे भी जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। तो ये जो फेस्टिवल का आपके पास समय रहेगा तो उसमें ये मूवी जरूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, अब हम आते हैं इनके चित्रों में जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो मैं ये पूरा रब कर रही हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं इनके मेन पॉइंट में, इनके चित्रों के बारे में। ठीक है, सबसे पहला राम द्वारा समुद्र का मान भंग। अब आप खुद ही समझिए कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। रावण और जटायु कृष्ण और बलराम मत्स्य गंधी दूत के रूप में कृष्ण श्री कृष्ण कुलीन महिला चांदनी रात में
पनघट से लौटते हुए कि थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा। द रीपर मीन्स फसल काटते हुए, ओके। दक्षिण भारत की जिप्सी भीष प्रतिज्ञा वामा अवतार गंगा अवतरण सत्यवादी हरिश्चंद्र महिला व हंस फल लिए हुए शकुंतला व दुष्यंत और वो आपका उसी में मैंने मेंशन ही कर दिया कि नायर महिला तो ये डैश डैश करके ओके भिक्षुणी देखिए इनके ये जो चित्र हैं बहुत सारे चित्र हैं और आप इसमें इनके नाम को लर्न करने में आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होगी क्योंकि इनके नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों से रिलेट करके आप उसको याद कर सकते हैं ठीक है। कंजूस बुद्ध मीन का कंजूस बुद्ध साधु व मेनका संदेश वाहक हंस विराटा उषा व अनिरुद्ध। उषा व अनिरुद्ध की कहानी और कहाँ मिलती है? जब आप वो कला का वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें महाभारत के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए ये जो इनके चित्र हैं जिसमें कि ये भीष्म प्रतिज्ञा वामा अवतार गंगा अवतरण पनघट से लौटते हुए कृष्ण और जटायु मान भंग दूत के रूप में ऑलमोस्ट मैंने इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ही लिखाए हैं कंजूस बुद्ध साधु व मेनका और उषा व अनिरुद्ध ठीक है। तो ये जो आपके चित्र हैं ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आज ही नेट पे डाल के सर्च जरूर करिएगा। अब हम इनका स्टार्ट करते हैं कि कहाँ संग्रहित हैं ओके। तो संग्रहालय संग्रहालय देखिए कुछ ही इनके इनके जो चित्र है वैसे तो हर एक घर में वहाँ के जो त्रावणकौर के राजघराने में या आपके आप समझ लें सालारगंज जो संग्रहालय है हैदराबाद का वहाँ पर बड़े बड़े महलों में इन सभी जगहों पर राजा रवि वर्मा के चित्रों को देखा गया है लेकिन जो भारी मात्रा में है वो आपके सालारगंज हैदराबाद में है, सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय यानी नगमा इसकी स्थापना कब हुई थी?
29 मार्च 1954, ठीक है, इसकी स्थापना। तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद राष्ट्रीय संग्रहालय आधुनिक संग्रहालय आपके केरल के निजी भवनों में निजी भवन जगमोहन महल, ठीक है। और इनके ये जो चित्र थे सभी के घरों में एज अ कैलेंडर के रूप में प्राप्त होते थे, ठीक है, लेकिन बड़ी मात्रा में आपके सलारगंज हैदराबाद और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर आज फिनिश होता है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आप लोगों के लिए कि लास्ट में मैंने बहुत कम वर्ड्स में लिखाया था, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा शॉर्ट करने वाला नहीं था। इसमें कुछ ही सन है, आपका जो आपका लिथोग्राफी प्रेस है ये इंपॉर्टेंट है, गायकवाड़ कब मिला इनको पदक और किसने केसरे हिंद की उपाधि इनको दी थी और किसके बाद ये राजा रवि वर्मा कहला, ये सब कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। और बाकी इनके चित्र, इन्हें भारतीय, ये भी एक लाइन लिख लीजिए, इन्हें भारतीय कला का पितामह कहा जाता है। ओके, तो आज ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई पर मोस्ट फोकस्ड रहिए, क्योंकि आप ये समझिए कि आप एक चीज़ और भी करिए कि आप साथ ही साथ आपके जो TGT PGT की शिल्पी प्रकाशन की आती है बुक, उसको पर डे आप एक चैप्टर, मतलब जैसे आपको लग रहा हो कि मैं इतने से इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ या कैसे भी आप पढ़ सकते हो, नेट के क्वेश्चन ज़रूर स्टडी करिए। अपनी एक कॉपी एक मेंटेन करिए जिसमें कि वन वर्ड वन लाइनर क्वेश्चन मेंटेन करिए और आप उसको रेगुलर एक अपने रूटीन में शामिल करिए कि मुझे सोने से पहले या आपके सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद आपको वो कुछ जो सेक्शन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रेगुलर पार्ट वाइज डिवाइड करिए कि जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ हो गया आर्टिस्ट का, आपके संग्रहालय हो गए, आपके चित्रों को तो रोज रोज देखिए, ठीक है, नेट पे देखिए या ऐसे स्टडी करते समय कि आपके दिमाग में ये रहे कि ये चित्र किसका किसका द्वारा बनाया गया है और उनकी टेक्निक क्या है, कैसे चित्र बनाते थे। जब आप उनको देखोगे और फिर शायद जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छे से आपको लर्न होगा। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आप मन लगाकर पढ़ाई करिए, ओके। और मतलब मुझे ये लगता है कि आपको ये भी चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के साथ हम बाय बाय करते हैं, इसलिए थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं, ओके, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू, बाय।